कंसीडर दिस गेट 2004 क्वेश्चन. ओके, कहता है गिवन दिस ट्रांसलेशन रूल्स. ओके, कंप्यूट ई डॉट वेल फॉर द रूट ऑफ द पार्स ट्री. मतलब इस स्टार्टिंग सिंबल के लिए आपको इसका ई डॉट वेल कंप्यूट करना है. ओके, एंड द स्ट्रिंग और यू कैन से द एक्सप्रेशन इज दिस वन. ओके, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. ओके, पहला तरीका है आप क्या करें, ट्रेडिशनल अप्रोच मीन्स इस स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करें एंड पार्स्ट आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्स ट्री ये रूल अप्लाई करें व्हाइल रिडक्शन. ओके, अल्टीमेटली एट द एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई डॉट वेल. ओके, तो ये अप्रोच के मैं कई सवाल कर चुका हूं, तो ये आप खुद से करो. ओके, एक दूसरी अप्रोच बता रहा हूं अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो. ये सेकेंड अप्रोच है. ओके, क्या करना है, अगर यहां आप ध्यान से देखो तो यहां हैश यूज हुआ है और यहां पर एंड यूज हुआ है. तो पहली बात अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंस की, ओके, ग्रामर को देख करके, तो हैश की प्रेसिडेंस क्या है, लेस है एंड से. पहला पॉइंट. अगर एसोसिएटिविटी की बात करूं तो हैश क्या है, हैश है ये प्रोडक्शन कैसा है, लेफ्ट रिकर्सिव है, तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव. ओके, और एंड को अगर देखो तो एंड क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन ये भी है, तो इसका मतलब लेफ्ट रिकर्सिव ये भी है. यहां तक एकदम डन है, नो इश्यू. ओके, अब एक बात देखने वाली यहां पर और है कि हैश को इसने क्या बोला है, एस्ट्रिक, हैश को एस्ट्रिक बोला है और एंड को प्लस बोला है. ओके, एंड को प्लस बोला है, तो इसका मतलब हैश ये एस्ट्रिक है और ये प्लस है. तो पहले हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन था वो जो लिखा हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करा देंगे हैश को किससे, एस्ट्रिक से. ओके, और एंड को किससे, प्लस से. तो ये हमने लिख दिया. अब हम इसको 2, 3, 5, 6 और ये 4, ओके, एप्टीट्यूड से सॉल्व हो जाएगा ये. अब हमने इसमें क्या कहा गया कि प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा है किससे, एस्ट्रिक से, तो प्लस जहां जहां पर भी है उसको पहले ऐसे हैंडल कर लो आप. तो ये कितना आ गया, 5, 3, 8, यहां पर ऑपरेशन भी प्लस का ही है. ओके, 6, 4, 10. ओके, और ये अब चूंकि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑपरेटर है एंड देयर फोर यू नीड एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लाई ऑपरेटर. ये क्या है मल्टीप्लाई ऑपरेटर, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है. इसका मतलब पहले ये परफॉर्म होगा और फिर ये परफॉर्म होगा. तो 116 × 10, तो यहां से कितना आ गया, 160. ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, एंड दैट्स डन.